हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का चल रहा था बीसीसी प्लस नीट 2021 के लिए एंट्रेंस एग्जाम और आपका आज का रिप्रोडक्शन चैप्टर प्रजनन का सब्जेक्टिव से रिलेटेड अंतिम वीडियो। इसके बाद 16 तारीख के बाद से यानी 17 तारीख से आपका केमिस्ट्री का शायद ऑर्गेनिक का स्टार्ट हो या फिजिक्स स्टार्ट हो। फिजिक्स तो पता है आपका ऑप्टिक्स ही चलेगा। चलिए कोई बात नहीं, आज का टॉपिक है जनन स्वास्थ्य से। इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इस पर और वीवीआई क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव प्लस वीवीआई 2021 के लिए इस पर क्वेश्चन चलेगा जो एग्जाम, हाँ नीट का फॉर्म आने वाली है, आप लोग भरिएगा जरूर। चलिए जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहले बात आ जाता है ना स्वास्थ्य का। रिप्रोडक्टिव मतलब जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य कब ठीक रहेगा? जब आप अनैतिक संबंध नहीं करोगे। अब अनैतिक संबंध करोगे, आज एकरा के साथ सेक्स करिए, कल उस व्यक्ति के साथ सेक्स किए। अब देखिए सेक्स का मतलब होता है हिंदी लिंग। अब ऐसे कीजिएगा कि कभी जुआ कभी हुआ, कभी कोठा पर कभी कोठा पर, ये घूमिएगा तो ज्यादा मजा लेने वाले को बीमारी सजा भी मिलता है। उसी को बोला गया जनन स्वास्थ्य। तो ज्यादा मजा नहीं लेना है, समझिए। तो पहली बात तो कर लेते हैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मनुष्यों के लिए कि जनन स्वास्थ्य बढ़कर जरूरी है कि आप कंट्रोल कीजिए जनन आपका जन्म पर, यानी जो इतना जनसंख्या तेजी में जो बढ़ रहा है इस पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, बर्थ कंट्रोल जिसको बोलते हैं। अरे जनसंख्या तेजी से बढ़ेगा तो आजकल तो जानते हो ना, लेकिन बुरा नहीं मानना है किसी को, कोई बच्चा बुरा नहीं मानेगा हमारी बात को क्योंकि आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो। जानते हो ना आजकल कि बच्चा सब डिजिटल हो गया, कहते ना कि डिजिटल तनी तनी को रहेगा, पबजी खेलता है। अरे बाबू पबजी खेलता है, कुछ और देखता है, लगता होगा कि पबजी देखता है खेलता है और घरे से मोबाइल तंग करेगा। बाबूजी अभी लॉकडाउन है ना, बहुत लेकिन ऐसा किया है इस बार लॉकडाउन में कि मोबाइल लिवाया खरीदवाया है, लैपटॉप खरीदवाया है कि बाबूजी से कह के ऑनलाइन पढ़ेंगे। आठवा में पढ़ रहा ऑनलाइन पढ़ेंगे, पांचवा में पढ़ रहा ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ेगा बेचारा। तो ऑनलाइन लगी बाबूजी लेके दिए मोबाइलवा, मोबाइलवा लेला के बाद वो क्या करता है, मिहालिया से जो क्या करता है मुड़िया झांप लेगा और अंदर पबजी खेलेगा और पबजी खेलता होकर बाद कुछ और भी देखता है, समझ रहे हैं ना बात। तो इस पर पहले कंट्रोल करना होगा, क्यों ये दिमाग में बहुत ज्यादा हो गया है कि हमारा ढेर सारा बाल बच्चा रहती तक ढेर सारा बाल बच्चा लेकर बॉडीगार्ड में सिक्योरिटी खड़ा करना है, सेना खड़ा करना है, राज करना है। अरे जन्म नियंत्रण के लिए जनसंख्या पे नियंत्रण, तब इसी को बोला गया जन्म नियंत्रण, बर्थ कंट्रोल यानी जनसंख्या पे कंट्रोल। तो भारत सरकार 1951 ईस्वी में, भारत सरकार 1951 ईस्वी में, नोट करके लिख लीजिएगा कि भारत सरकार 1951 ईस्वी में परिवार नियोजन का कार्यक्रम शुरू किया था। परिवार नियोजन में यही बताया गया कि हम दुगो, हमार बालो बच्चा दुगो, चाहे एगो बेटा हो चाहे एगो बेटी हो, हम दो और हमारे दो। अरे जब जन्म लेता है बच्चा तो कहते ना हम दो हमारे दो, तो जन्म ले लिया तो विकास करेगा, तोरा पढ़ाना लिखाना भी खर्चा भी है, होता है कि नहीं होता है? तो आजकल सरकार ने यही नीति अपनाया था 1951 ईस्वी में और जब से सेवा चल रहा था कि परिवार नियोजन का शुरुआत किया सेवा कार्यक्रम का कि हम दो और हमारे दो, यानी एक माता पिता और एक बाल दो बाल बच्चा। और इसी पर देखते हैं बहुत सारे फोर्स में जो आर्मी में जाते हैं, नेवी में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं, उनका भी यही दो नीति अपनाया जाता है कि हम दो हमारे दो। अगर आपके दो बच्चे हैं तो सरकारी कॉलेज में पढ़ेंगे यानी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ेंगे, अगर दो से ज्यादा हैं तो आप कहीं और ले जाइए, होता है कि नहीं होता है? चलिए तो जन्म नियंत्रण पर सरकार ने कुछ विधियां अपनाई थी कि कैसे इसको रोका जाए जन्म नियंत्रण को, तो इसके लिए कुछ विधि दिया था, मेथड दिया था सरकार ने 1951 ईस्वी के तहत परिवार नियोजन के तहत। पहला विधि था हार्मोनल मेथड, हार्मोनल मेथड यानी हार्मोन विधि, हार्मोनल मेथड। इसमें क्या किया गया कि हार्मोन से बनाई हुई, हार्मोन से बनाया हुआ मेडिसिन दवाई का उपयोग किया गया। यानी जब कोई लड़का और लड़की क्या, जब कोई लड़का और लड़की क्या करता है, मान लो पढ़ाई कर रहा है इंटर में, कॉलेज गया पढ़े और कॉलेज के जगह पे कॉपी किताब रख दिया कॉलेज में, दोनों चल गया कहीं और, तो इस अवस्था में क्या होता है कि अगर कोई अनैतिक संबंध हो जाए तो अनैतिक संबंध होने के बाद जब इसको तो बच्चा जन्म लेगा, अरे अनैतिक संबंध हो गया तो बच्चा जन्म लेवे करेगा,
उस जन्म को रोकने के लिए भारत सरकार ने हार्मोनल विधि मेथड हार्मोनल विधि अपनाया और इसमें बताया कि हार्मोनल मेथड में कि हार्मोन द्वारा मेडिसिन तैयार किया गया और इसमें उस मेडिसिन का नाम दिया मालाडी और मालाएन सहेली मल्टीलोड 375 टैबलेट का नाम दिया दवाई का नाम दिया मालाडी मालाएन सहेली मल्टीलोड 375 अब मल्टीलोड 375 तो सुनो आपका सिलेबस भी जो दिया है ना उस सोच समझ के दिल है। अब कहेगा कैसे तो सिलेबस एक यूनिट में 4 चैप्टर दिया है सोच के दिया पहला जीवों में जनन और दूसरा भी दिया फूल में जनन तो दोनों कंट्रोल रखा तीसरा दे दिया है ह्यूमन जनन मानव जनन अब ओकर बाद मानव जनन दे दिया तो ओकर बचाव भी बता दिया अगला सिलेबस में कि अगर बचाव कैसे है समझ रहे ना बाप। अब मानव जनन जो जो पढ़ता है ना वो यही उम्र में चलिए आगे देखिए माला डी माला एन सहेली मल्टीलोड 75 ये सभी के सभी आपका मेडिसिन का नाम है दवाई का नाम है और इस दवा का निर्माण हार्मोन से किया गया था और इसका उपयोग किया जाता है जब कोई लड़का जब कोई लड़की यानी महिलाएं बिना किसी कारण बस गर्भवती हो जाती है बचपन की गलतियों के कारण वो गर्भवती हो जाती है तब उनको रोकने के लिए यही दवा दिया जाता है और ये दवा देने के बाद किया जाता है कि जब दवा दिया जाता है तब उनको बताया जाता है कि आपका जो मासिक चक्र आएगा मासिक चक्र शुरू होने के 21 दिन के अंतराल में ही यह दवा लीजिएगा 21 दिन पर ये ठीक हो जाएगा आपको गर्भवती से बच जाइएगा ये उपाय होता है। उसके बाद दूसरा विधि अपनाया कहा कि दूसरा विधि पहला तो दवाई से हो ही गया एकरे बोला गया केमिकल मेथड एकरे बोला गया केमिकल मेथड समझ रहे बात यानी दवाई केमिकल के द्वारा। अब आपका बात आता है नेचुरल मेथड। अब नेचुरल मेथड क्या होता है समझिए नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक मेथड मतलब विधि तो प्राकृतिक विधि कैसे होगा तो इस प्राकृतिक विधि में सरकार ने बताया था इस पर वैज्ञानिकों ने बताया कि जब कोई महिला और पुरुष अपने इच्छा अनुसार सेक्स नहीं करता है मान लो जी आपको उसका इच्छा अनुसार तो ही सेक्स करेगा तो जब कोई लड़का और लड़की मान लीजिए कि कोई लड़का और लड़की है वो इच्छा से सेक्स किया और वो चाहता कि हमारा संतान नहीं हो हम गर्भवती नहीं हो तो उसके लिए एक प्राकृतिक विधि भी अपनाया गया। इस प्राकृतिक विधि में बताया गया है कि जब कोई लड़का और लड़की सेक्स करता है तो स्पर्म यानी नर से नर के पेनिस से स्पर्म मादा जननांग के वेजिना तक पहुंचने से पहले उस पेनिस को वेजिना से बाहर निकाल दिया जाए और स्पर्म को बाहर स्खलित किया जाए उसके बाद सेक्स किया जाए तब आप प्राकृतिक विधि से बच सकते हैं। नहीं समझ में आई बात फिर से एक बार जैसे ही गर्भाशय है गर्भाशय बताए थे ई वेजिना है और जब सेक्स की क्रिया किया जाता है तो यहां से पेनिस अंदर प्रवेश करता है तब इसमें प्राकृतिक विधि में बताया गया कि पेनिस जब वेजिना में प्रवेश करेगा तो इसमें बीज स्खलित होगा स्पर्म बनेगा स्पर्म यहां स्खलित होगा तो स्पर्म इसी स्खलित को यहां पे स्पर्म आने के रोकने के लिए प्राकृतिक मेथड लगाया गया विधि लगाया गया नेचुरल विधि लगाया गया कि जब सेक्स किया जाता है तो पेनिस जैसे ही इसके अंदर जाता है और पेनिस जाने के बाद जब स्पर्म स्खलित होना शुरू हो जाए जब स्पर्म बाहर आना शुरू हो जाए पेनिस से तब इस पेनिस को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए और पेनिस को शरीर से बाहर स्खलित कर दिया जाए फिर उसके बाद सेक्स की क्रिया किया जाए इससे आप प्राकृतिक विधि द्वारा गर्भवती होने से बच सकते हैं। उसके बाद जो विधि अपनाया गया था मैकेनिकल विधि एक और विधि दिया मैकेनिकल विधि यानी इसको बोलते हैं यांत्रिक विधि क्या बोला जाता है इसको यांत्रिक विधि बोला जाता है। अब यांत्रिक विधि में क्या होता है समझिए यांत्रिक विधि में यानी यांत्रिकी जो मशीन अरे यांत्रिक क्या होता है यांत्रिक मशीन होता है मशीन को यंत्र बोला गया है तो मशीन के द्वारा कुछ ऐसा चीज का निर्माण जिससे गर्भ होने से यानी गर्भपात होने से गर्भ धारण होने से रोका जा सके तो प्राकृतिक रूप में तो देखिए ये क्या हुआ। अब मैकेनिकल मेथड यांत्रिक विधि में कहा जाता है कि इसमें पुरुष जो होता है वो सेक्स करने के दौरान यानी सेक्स करने से पहले कंडोम का अपने पेनिस के ऊपर कंडोम का एक लेयर चढ़ाता है कंडोम का उपयोग करे और महिला जो है महिला सेक्स करने से पहले कॉपर सेवन लिम्पेस लूप और कॉपर टी का उपयोग कर ले। कॉपर टी और कंडोम जो होता है एक रबड़ नुमा बैलून देखे ना गुब्बारा
तो बैलून गुब्बारा के जैसा ही होता है, उसको पेनिस में लगाते हैं और महिलाएं कॉपर टी और कॉपर सेवन और लिम्पेस लुप अपने वेजिना में लगाती हैं, जिसके कारण क्या होता है जब सेक्स की क्रिया किया जाता है तो वो जो कंडोम होता है इसमें स्पर्म स्खलित हो जाए, और यहाँ पे कॉपर टी महिलाएं लगाती है, कॉपर सेवन लगाती है, जिससे स्पर्म क्या हो इसके अंदर वेजिना के अंदर प्रवेश न कर पाए, जिससे स्पर्म ओवम का मिलान नहीं होता है और गर्भधारण से बच सकते हैं। उसके बाद होता है सर्जिकल मेथड। अब सर्जिकल मेथड का होता है समझिए, सर्जिकल मेथड अभी बताए ये गर्भाशय है, और सर्जिकल मतलब होता है ऑपरेशन, सर्जिकल का मतलब होता है ऑपरेशन विधि। अब ऑपरेशन विधि कैसे कैसे होगा, तो ये जो आपका है एकरा में ये गर्भाशय है, और ये गर्भाशय इधर फिलोपियन ट्यूब बताए थे, पूरा वीडियो जाके पिछले वाला देखिए, गर्भाशय वाला मादा जनन पूरा बताए हैं। ये जो आपका फिलोपियन ट्यूब है अंडवाहिनी नली, और इसमें बताया था कि इधर से स्पर्म पेनिस जाता है, स्पर्म यहां स्खलित होता है, स्पर्म स्खलित होने के बाद फिलोपियन ट्यूब में जाता है, यहाँ पे ओवरी होता है, अंडाणु बनता है, और यह अंडाणु फिर जाता है कहां फिलोपियन ट्यूब में। तब जब ऑपरेशन विधि अपनाया जाता है तो बिल्कुल इसी ऑपरेशन विधि में, हम पहले भी बता चुके हैं, इस ऑपरेशन विधि को बोला जाता है नसबंदी। और इसमें जहां पे दोनों साइड में देखिए फिलोपियन ट्यूब होता है एक जोड़ा, तो क्या किया जाता है, इस फिलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, या फिर इस फिलोपियन ट्यूब पर एक गांठ दे दिया जाता है। जब ये काट दिया जाएगा या बांध दिया जाएगा तो क्या इधर से अंडाणु इधर जाएगा, नहीं जाएगा, ना ही इधर से स्पर्म इधर जाएगा, नहीं जाएगा। तो जब स्पर्म और अंडाणु एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं तो क्या वो महिला गर्भवती होगी, गर्भवती नहीं होगा। यानी सर्जिकल मेथड यानी ऑपरेशन द्वारा यही किया जाता है, इसको बोला जाता है महिला नसबंदी। और पुरुष में बताए थे कि भास डिफरेंशिया जो होता है, यानी भास डिफरेंशिया स्खलन नली जहां से शुक्राशय होता है, उस शुक्राशय को काट दिया जाता है। जब शुक्राशय को काट देगा तो स्पर्म नहीं पार होगा, और जब स्पर्म नहीं पार होगा तो क्या स्पर्म पेनिस द्वारा बाहर आएगा, नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो मैं वेजिना में भी नहीं पहुंचेगा, और नहीं पहुंचेगा तो गर्भवती भी महिला नहीं होगी। इसलिए बोला गया पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी बोला जाता है, नसबंदी को ही बोला जाता है। तो सर्जिकल मेथड में हो गया आपका नसबंदी, नसबंदी पुरुष और महिला दोनों में होती है। अब ये बात हो गया केमिकल मेथड, तो केमिकल मेथड तो देखिए कि यही होता है। उसके बाद एमटीपी, आप कोई मैसेज करेगा कि सर केमिकल मेथड ही, अरे हाँ बाबू केमिकल द्वारा क्या किया जाता है कि केमिकल्स के सहारे दवाई का उपयोग किया जाता है, गर्भ निरोधक गोली बनाया जाता है, गर्भ निरोधक कैप्सूल खाया है ना, गोली खाए, अब खाएगा, सब खा लेगा, जिसको जिस गर्भवती होना से बचना चाहता है वो, अब स्टूडेंट थोड़ी खाएगा कि गर्भ निरोधक गोली, अरे खाए लड़का, एक लड़का को पढ़ा रहे थे हम अपने जहाँ पे ब्रांच जो है नया खुले है वहां पूछ रहे थे, गर्भ निरोधक गोली देखे है, हाँ सर हमको एक डॉक्टर दिया था खाने के लिए। सोचो लड़का अगर गर्भ निरोधक गोली दिया है खाने के लिए, एक से एक लेकर है। चलिए उसके बाद एमटीपी किट जो होता है, इसका एमटीपी द्वारा क्या होता था ना भारत में कि सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या होता था, और एमटीपी द्वारा पता लगा लेता था एमटीपी किट द्वारा कि होने वाला संतान लड़का है कि लड़की, और लड़की रहता था ना तो यही विधि अपना लेता था, ये दवाइयां खा लेता था ना, तो फिर क्या करता था धोलाइया बासिंग करवा लेता था। तो महिलाएं ये काम करती थी कि लड़की है गर्भाशय में तो बासिंग करवाती थी और उस भ्रूण को मार देती थी, इसके कारण इसको रोक दिया गया, और अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी भी रोक दिया गया। इसलिए रोक दिया गया इसको कि ताकि एमटीपी पर इसलिए रोका गया कि ताकि भ्रूण हत्या नहीं हो, क्योंकि लड़की पैदा होने से पहले लड़कियों को मार दिया जाता था गर्भाशय में, गजब का विधि अपनाए हुए था लोग। इसलिए इस पर 1971 ईस्वी में भारत सरकार ने एमटीपी पर रोक लगा दिया कि एमटीपी पर कोई जो अगर जांच करेगा, जो अगर बताएगा कि पैदा होने वाला लड़का और लड़की, उसको जेल हो जाएगा। तो आप कोई बताता है, कोई नहीं बताता है, डॉक्टर वो नहीं बताएगा। उसके बाद एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहिए रहा सेक्सुअली यानी सेक्स के द्वारा होने वाला रोग। अब सेक्स के द्वारा कौन कौन रोग होता है, अभी वायरस होता है, एड्स हो गया, हर्पीस हो गया, गोनेरिया। जो हर्पीस होता है एकरे बोलते हैं
गोनेरिया जो होता है, इस गोनेरिया को बोला जाता है सुजाक रोग। क्या बोला जाता है? सुजाक रोग बोला जाता है। तो एसटीडी जो होता है फैलता जानते कैसे? अनैतिक संबंध बनाने से। अब अनैतिक संबंध तो आज एकरा साथ, कल ओकरा साथ, परसों ओकरा साथ, तो ये जो अनैतिक संबंध बनाते हैं ना, वो यही सभी बीमारी पकड़ता है। एवं सुने है ना, एवं लड़का बोल रहे है कहा कि लवेरिया की बीमारी कैसे होता है? आप सुनो, लवेरिया कौन बीमारी? तो एड्स, हर्पिस और गोनेरिया जो होता है, तो ये अनैतिक संबंध से होता है। इसका बचाव बस एक ही कारण है दोस्त, कि अनैतिक संबंध ना बनाए, ज्यादा व्यक्तियों के साथ सेक्स ना करें। और इसके बचाव के लिए बस यही मुख्य कारण होता है कि ज्यादा व्यक्तियों के साथ सेक्स ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर शादी ब्याह होता है तो बस हम दो, हमारे दो वाला विधि अपनाए, ज्यादा व्यक्ति वाला विधि अपनाइएगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो महिला बांझ हो जाती है। अब किसी किसी में होता है, क्वेश्चन होगा किसी में, सर महिला बांझ होकर हो जाता है तो बांझ होने के बाद क्या बच्चा उत्पन्न कर सकता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन आजकल ऐसा ऐसा तकनीक आ गया है, ZIFT, जायगोट इंटेरा फिलोपियन ट्यूब, जेकरा बोलते हैं प्रखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण किया जाता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का ऐसे निर्माण किया जाता, कल के वीडियो में बताए थे कि 8 कोश का बनाता है ब्लूस्टोसाइट। अरे ब्लूस्टोसाइट बनता है ना 8 को, तो वही ब्लूस्टोसाइट को क्या किया जाता है, फिलोपियन ट्यूब में प्रवाहित किया जाता है, और प्रवाहित करके टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण किया जाता है। तो देख लेते हैं कि बांध यानी इनफर्टिलिटी, बांध्यता में, यानी जो बांध महिला, बांझ महिला है, उसमें बच्चा का निर्माण कैसे कैसे होगा, कौन कौन से विधि से उत्पन्न कर सकते हैं। बांध्यता देखिए बांध्यता इनफर्टिलिटी जो होता है, यानी वैसा तक जिसके द्वारा बांझ महिला में क्या बच्चा को उत्पन्न करने की क्षमता दिया जाता है, उसको बोलते हैं बांध्यता। आप समझिए कि कौन कौन सी विधि है, कौन कौन सा टेक्निक, कौन कौन सा तकनीक अपनाए कि बांझ महिला भी क्या हो, बच्चे को जन्म दे। अब ऐसा कोई दिमाग लगाएगा कि लड़का भी बच्चा को उत्पन्न करे तो काहे नहीं हो सकता है, वो उसका जननांग प्रत्यारोपण किया जाएगा तो हो जाएगा। चलिए देखिए ZIFT, चलिए बात नहीं ज्यादा करना है, यहाँ पे समझिए ZIFT यानी जायगोट इंटेरा फिलोपियन ट्यूब यानी फिलोपियन ट्रांसफर। अब यहाँ पे समझिए कि इसमें ZIFT जो विधि होता है, जायगोट इंटेरा फिलोपियन ट्रांसफर, इस विधि द्वारा क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, तो एक नर एक मादा, नर में क्या होता है, नर में स्पर्म होता है कि नहीं होता है, नारीगुमक में स्पर्म, मादा एक में ओवम होता है। तो प्रयोगशाला में क्या किया जाता है कि स्पर्म को और ओवम अंडाणु को दोनों को एक जगह इकट्ठा करके एवं प्रख नली में डाल दिया जाता है। अब ये वो प्रख नली में जब डाल दिया जाता है तो इस प्रख नली में डालने के बाद क्या होता है कि अंडाणु और स्पर्म दोनों आपस में संजोग करता है, और संजोग करने के बाद जायगोट बनाता है। क्या बनाता है? जायगोट। और हम बताए थे आपको कि नर और मादा मिलकर के क्या बनाता है, जायगोट बनाता है, और जायगोट से फिर क्या बनता है, भ्रूण। तब समझिए जब जायगोट का निर्माण हो जाता है तो यही आईसी को बोला गया टेस्ट ट्यूब भी, तो इसको क्या करता है जायगोट को, फिर ये जायगोट को मादा के गर्भाशय के फिलोपियन ट्यूब, मादा गर्भाशय के फिलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां 8 कोशिका वाला ब्लास्टोसाइट बनता है, फिर वही गर्भाशय में आकर भ्रूण का फिर निर्माण करता है, और निर्माण कहां करता है, गर्भाशय के भीतरी दीवार इंडोमेट्रियम के साथ जुड़ करके। अब उसके बाद दूसरा विधि जो आ जाता है आपका IUT यानी इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफर। और इस विधि में क्या किया जाता है कि अभी जो बताया कि 8 कोशिका वाला ब्लास्टोसाइट, कल भी वीडियो में बताए थे, करवाला नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, ब्लास्टोसाइट बनाता है, तो यही जो 8 कोशिका वाला ब्लास्टोमेयर जो बनता है, इस ब्लास्टोमेयर को फिर क्या किया जाता है, अंडवाहिनी में ट्रांसफर किया जाता है, और अंडवाहिनी में ट्रांसफर होने के बाद फिर आता है गर्भाशय में, फिर यही काम करता है, भ्रूण आपका गर्भाशय के भीतरी दीवार से जुड़ करके आपका भ्रूण का निर्माण करता है। और इसमें क्या होता है ZIFT में होता है ग्राफिया इंटेरा फिलोपियन ट्रांसफर। इसमें जब अंडाणु परिपक्व हो जाता है, कभी कभी बांझ महिला में इसी कारण भी होता है कि जब अंडाणु, यहां अंडाणु बन रहा है और अंडाणु परिपक्व हो रहा है, लेकिन जो फिमरी है, फिमरी पकड़ ही नहीं रहा है, अंडाणु अंदर आ ही नहीं रहा, तो कैसे निषेचन होगा, तो महिला बांझ।
तो देखिए क्या किया जाता है कि जब यहाँ अंडाणु अंडाशय में ओवरी में बनता है तो अंडाणु जैसे परिपक्व होता है तो इस परिपक्व अंडाणु को निकाल करके फिर अंडाणु को निकाल करके अंडवाहिनी में क्या किया जाता है ट्रांसफर, अंडाणु यहां से निकाल करके फिर ट्रांसफर किया जाता है इस विधि द्वारा और फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर जाता है तब इधर से स्पर्म जाता है इधर से अंडाणु आता है दोनों निषेचित करके क्या एम्पुला स्पर्म भी निषेचित करता है तब जाके भ्रूण का निर्माण होता है 8 कोशिका वाला ब्लास्टोसाइट बनाता है 8 से 16 कोशिका वाला फिर यही आता फिर वही विधि अपनाता है। उसके बाद आपका आता है ICSI यानी इंट्रा ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म इंजेक्शन में होता है जैसे अब कोई पुरुष है अब कोई महिला है तो क्या होता है कि पुरुष जो है उसका स्पर्म को निकाल दिया जाता है, पुरुष के स्पर्म को निकाल करके मादा के भेजीना है तो मादा के भेजीना तक पहुंचा दिया जाता है। और पहुंचा देखिए कभी कभी क्या होता है ना आप सुनिए मेरी बात, कोई किसी किसी पुरुष को क्या होता है कि पेनिस जो होता है जिसकी लंबाई टोटल 7 से 8 सेंटीमीटर होना चाहिए 7 से 8 सेंटीमीटर या 8 से 10 सेंटीमीटर, इसको 8 से 10 सेंटीमीटर भी बोलते हैं 8 से 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। 8 से 10 सेंटीमीटर कहने का मतलब कि 5 इंच का लगभग, तो किसी किसी पुरुष में 8 से 10 सेंटीमीटर की जगह पे हो जाता है 7 से 8 सेंटीमीटर। तो जब 7 से 8 सेंटीमीटर होता है तो भेजीना की जो गहराई है 8 से 10 सेंटीमीटर तो पेनिस की लंबाई भी उतना ही रहता है ताकि स्पर्म एकदम भेजीना में ठीक रूप से पहुंच पाए। लेकिन जब छोटा पड़ जाता है लिंग यानी पेनिस छोटा पड़ जाता है तो छोटा पड़ने के कारण भेजीना के अंदर स्पर्म नहीं पहुंच पाता पूर्ण रूप से जिसके कारण स्पर्म आपका निषेचित नहीं हो पाता है। तब डॉक्टर यही विधि अपनाता है या फिर दवाई देगा स्पर्म यानी लिंग यानी पेनिस को बड़ा करने के लिए फिर दवा दिया जाता है तेल वगैरह सब चीज दिया जाता है ताकि वो महिला में भेजीना तक स्पर्म को पहुंचा सके। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि महिला के योनि में स्पर्म को क्या किया जाता है ट्रांसफर किया जाता है यानी पुरुष से स्पर्म को निकाल करके मादा की योनि तक पहुंचा दिया जाता है अंदर में प्रवेश करा दिया जाता है। उसके बाद फिर निषेचन होता है और निषेचन होने के बाद फिर वही विधि भ्रूण बनता है भ्रूण से फिर आपका बच्चे का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट इस सब के सब लिखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अब VVI क्वेश्चन चलेगा ऑब्जेक्टिव चलेगा पूरा एक चैप्टर का रिप्रोडक्शन का उसके बाद अगला चैप्टर। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा शेयर जरूर कीजिएगा बहुत जितना हो सके शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए।